हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि हम छोटी की मात्रा के वर्कशीट बच्चों को कैसे दे सकते हैं। छोटी की मात्रा को समझाने के लिए बच्चों को हम इस तरह से वर्कशीट बना करके दे सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे इस तरह से कप प्लस छोटी ई, ठीक है, बराबर कप प्लस छोटी ई की मात्रा, ऐसे देना है। ओके, तो इस तरह से हमें करना है। ये हमें लिखना है कप प्लस छोटी ई, कप प्लस छोटी की मात्रा, और बताना है कि छोटी ई की जगह ये छोटी ई की मात्रा है। और इस तरह से फिर बच्चे छोटी की पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह म प्लस छोटी ई, तो म प्लस छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मी। ओके, म में छोटी मी, क में छोटी की, ट प्लस छोटी तो ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर, खाली स्थान भरो के तौर पर हम इन्हें वर्कशीट बनाकर दे सकते हैं। जैसे हमें दो तीन इस तरह से समझा देना है। अब बच्चे क्या करेंगे कि इस तरह से जैसे हम देंगे ट प्लस छोटी तो ट प्लस, अब वो समझ चुके हैं कि छोटी ई यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, छोटी ई की मात्रा लिखना है। तो इस तरह से छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, ठीक है, और फिर छोटी, ठीक है, ट में छोटी टी। अब इसी तरह ल प्लस छोटी ई, तो ल, और इसमें फिर छोटी ई की मात्रा, यानी हमें समझाना है कि छोटी ई को हम छोटी ई की मात्रा इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें बच्चों को ये समझाना है कि छोटी ई को इस तरह से लिखेंगे। जिस तरह न प्लस छोटी, तो न में क्या लगाएंगे बच्चे, छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ भी उन्हें क्या करना रहेगा, भरना रहेगा, तो ये लिखेंगे न में छोटी नी, ठीक है। प प्लस छोटी, तो प में छोटी की मात्रा, फिर प में छोटी फी। तो हमें क्या करना है, पहले उन्हें इस तरह से समझाना है, उसके बाद फिर केवल छोटी की मात्रा देना है भरने के लिए, उसके बाद फिर हमें ये भी देना है, यानी दो जगह फिर हम भरने के लिए उन्हें दे सकते हैं, जिससे उनका पूरी तरह से क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि छोटी ई की मात्रा कैसे लिखते हैं या फिर क्या होती है, ठीक है। और जब छोटी ई पढ़ते हैं तो उसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं, जैसे फी, अब बड़ी ई रहेगी तो फी, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को बताना है कि छोटी ई की मात्रा रहे तो फी, ठीक है। अब बड़ी की मात्रा का जब वर्कशीट तैयार करेंगे तो उसे थोड़ा लंबा खींचेंगे, फी, यानी कि बड़ी की मात्रा लगी है, और ऐसे फी। अब इस तरह से फिर हम जब उन्हें समझा लेंगे तो फिर छोटी की मात्रा लिखने के लिए कहेंगे, या फिर इसे आप पहले भी दे सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, केवल इस तरह से मात्रा लगाएंगे, ठीक है, तो यह आप पहले भी दे सकते हैं, इसके बाद आप ये दे सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या भरेंगे बच्चे, केवल इस तरह से मात्रा, मात्रा वो लिखना सीखेंगे कि छोटी की मात्रा कैसे हो, कैसे लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बच्चे पूरा भर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें बोल देंगे हम बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें उन्हें पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, सारा चीज करना है। तो इस तरह से वर्कशीट तैयार करके देंगे कि सारा चीज कैप्चर हो जाए उसमें, ठीक है। जैसे बोलकर पढ़ो, तो स में छोटी सी, ऐसे बोलेंगे बच्चे, ठीक है। च में छोटी ची, ट में छोटी टी, म में छोटी मी, मतलब म में छोटी ई, इस तरह से बुलवाना, ना कि बुलवाना है मी टी, इस तरह से नहीं, ठीक है। म में छोटी मी, ल में छोटी ली। तो इस तरह से आप और भी दे सकते हैं पढ़ने के लिए उन्हें, ये हो गया। फिर है छोटी की मात्रा वाले शब्द, जैसे द में छोटी दी, न दीन। तो यही चीज वो तीन बार या दो बार, जितनी उनकी कैपेसिटी है वैसे हम उन्हें बनाकर उन्हें लिखने के लिए देंगे, ठीक है। द में छोटी दी, न दीन, प में छोटी पी, न पीन। पहले तो क्या करेंगे, दो दो जो अक्षर है वही वाले शब्द देंगे उन्हें, जिससे उन्हें ज्यादा शुरू में परेशानी ना हो कुछ चीज को समझने में। तो दो दो छोटे छोटे अक्षर वाले पहले देंगे उन्हें, ठीक है। द में छोटी दी, ल दिल, बी ल बिल, ती ल तिल, फिर किसान, फिर तीन अक्षर पे आ जाएंगे। तरह से उन्हें लिखने के लिए देना है, तीन बार दीजिए चाहे दो बार दीजिए, जितने वर्कशीट तैयार करके देंगे उतना ही उन्हें फायदा है। एक बार में ना कर पाए बच्चे तो कोई बात नहीं,
थोड़े थोड़े, जैसे एक घंटा कर लिया फिर अगले दिन दे दिया, कुछ भी कर सकते हैं जिससे उनका मन रमा रहे। क्या करेंगे हम, हाँ, पिक्चर के थ्रू उन्हें समझाएंगे। जैसे क्या है, दिल ल दिल, तो द में छोटी ई दी ल दिल, ठीक है। इस तरह से प में छोटी पी न पिन, ग में छोटी गी ला स गिलास। तो इस तरह से उन्हें शब्द लिखने के लिए देंगे, किताब पहिया, प ह में छोटी ही और य में आ या पहिया, तकिया, ठीक है, गिटार। अब फिर इसी तरह हमें बोलकर पढ़ो, उस वक्त हमने क्या दिया था, ये पढ़ने के लिए दिया था, ठीक है। अब हमें उन्हें शब्द पढ़ने को देना है, जैसे क में छोटी की सा न किसान, द में छोटी दी न दीन। तरह से बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे। फिर छोटी ई की मात्रा, नेक्स्ट है छोटी ई की मात्रा लगाना है। जैसे हमें क्या करना है, अक्षर दे देना है। अब म में छोटी ई की मात्रा किस तरह लगेगी, तो इस तरह मी, म में छोटी मी, इस तरह से। फिर च में छोटी ची, तो ये बच्चे इस तरह से लिखते जाएंगे, च में छोटी ची, इस तरह से छोटी की मात्रा लगाना सीखेंगे। फिर अब है छोटी की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाएं, जैसे ये, ठीक है। जैसे ब में छोटी ई क्या हो जाएगा, बिल बिल, तो ब में सही सही शब्द बनाना है, ये ना कि ल में लगा दिए तो वो तो कोई शब्द बना नहीं। तो ब में छोटी बिल बिल, त में छोटी ई तिल तिल, फिर डलिया, तो ल में छोटी ई हो जाएगा डलिया, फिर क में छोटी किताब किताब। तो इस तरह से छोटी की मात्रा लगाकर फिर उन्हें क्या कहेंगे, सही शब्द लिखने के लिए कहेंगे। तो इस तरह से शब्द दे देंगे और उन्हें छोटी की मात्रा लगानी है, हमें हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे उन्हें देना है। और ये नहीं कि एक ही बार में बच्चे कंप्लीट कर लें, ऐसा तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करना बच्चों से, क्योंकि वो धीरे ही धीरे सीखते हैं। अब जैसे देखिए, हमने पहले क्या किया था कि इस तरह से पिक्चर बना दिया था और पूरी तरह से शब्द लिखने को दे दिया था। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था, ये पूरी तरह से शब्द लिखने को दे दिया था, पीना पेन गिलास गिलास। तो आप ये बाद में भी दे सकते हैं, इसको पहले दे सकते हैं, क्योंकि क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, इसलिए कि इसमें हमने लास्ट वाला शब्द लिख दिया है, चाहे कोई कोई शब्द लिख दिया है, बस जिसमें मात्रा लगी है छोटी की वो उन्हें लिखना है। तो उससे क्या होगा, बच्चों को आसानी होगी समझने में, एकाएक उन्हें हार्ड देना नहीं है हमें। तो इसीलिए अगर ये बच्चे कर पाते हैं, डायरेक्ट शब्द लिख पाते हैं, तब तो सही है, और नहीं वो कर पाते हैं तब पहले आप उन्हें ये ही दीजिए लिखने के लिए, ठीक है। तो ग, ग में छोटी क्या हो जाएगा, गिलास, और यहाँ हमें डैश दे देना, यानी यहीं पर भरना है। अब जैसे त है तो तकिया, क्या है ये, तकिया, तो क में छोटी की, इस तरह से बच्चे केवल ये भरेंगे, इससे क्या होगा कि उन्हें आसानी होगी उन्हें कैच करने में, ठीक है, समझ पाएंगे वो। बारिश, तो र में छोटी री बारिश, तो ये हो गया किताब, तो क में छोटी किताब किताब। तो फ्रेंड्स, ये था वर्कशीट छोटी ई की मात्रा हम बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर सकते हैं, जिससे वो कभी ना भूले, ओके। क्योंकि आगे भी परेशानी होती है बच्चों में, वो छोटी बड़ी को समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें देंगे वर्कशीट तैयार करके और वो उन्हें लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ओके। फिर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए। और मैंने कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़न के कुछ प्रोडक्ट के लिंक भी डाले हुए हैं, बच्चों के मानसिक विकास के लिए, बच्चों के मतलब ऐसा गेम जिससे कि बच्चों के जो दिमाग है वो तेज हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसा गेम का लिंक मैंने डाला हुआ, अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ओके। फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।